हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन दैट इज़ GSTU। स्टूडेंट, हम GOC का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं, जिसमें जो है हम नोमेनक्लेचर्स हमें देखना है। तो चैप्टर का नाम है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, क्लास 11 का है, 11 क्लास का लेक्चर है जो हमें आज देखना है। तो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर्स देखना है। क्या देखना है बेटा? नोमेनक्लेचर्स देखना है। तो नोमेनक्लेचर्स में हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है बात हमें यह कहनी है कि मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वर्ल्ड में, तो उसका नाम देने को हमें कैसे पहचान होंगे। लेकिन उसकी पहचानने का एक तरीका है, नोमेनक्लेचर के हिसाब से तुम उसे पहचान सकते हो। तो देखो, हम क्या देखने वाले हैं, नोमेनक्लेचर्स। नोमेनक्लेचर में हमें देखना है IUPAC's नेम। व्हाट इज बाय IUPAC's नेम रे बेटा? क्या होता है IUPAC's नेम का मतलब? क्या होता है IUPAC's का मतलब? होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेटा, इसका नाम कैसा देना है? व्हाट इज बाय IUPAC's? IUPAC's क्या होता है? IUPAC's के रूल से अगर तुम चले तो तुम इसके जो प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है, तुम खुद कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे रूल्स लिखो, रूल्स IUPAC's रूल्स शुद्ध हिंदी में रहेंगे। तो इसका नाम ऐसा बेटा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। यहां पे क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन और पैरेंट अल्केन का नाम दो। ओके, पैरेंट अल्केन का नाम दो। उसके बाद में रूल्स नंबर हम सेकंड सीख रहे हैं कि रूल्स नंबर क्या है, नंबरिंग दो। पर कहाँ से तो नंबरिंग कहाँ से दोगे बेटा तुम? यहाँ पे सबसे पहले यही तरीका होता है कि पैरेंट अल्केन का नाम दो। देखो, नंबरिंग दो पर कहाँ से जहाँ से साइड चेन नज़दीक है। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, अल्किल ग्रुप के नाम दो। अल्किल ग्रुप जो होते हैं, अल्किल ग्रुप क्या होता है, ये एक बार मैं समझाता हूँ आपको। अल्किल ग्रुप के नाम अल्फा बेटिकल के ऑर्डर से दो। ओके, उसके बाद में फोर्थ नंबर रूल्स नंबर चार हम क्या सीख रहे हैं, रूल्स नंबर चार। जो भी रूल्स आगे आएगा तो हम उसे लिख लेंगे। अगर तो अल्किल ग्रुप सेम आए तो देखो, रूल्स नंबर चार लिखें, दो अल्किल ग्रुप सेम आए तो डाय, तीन आए तो ट्राय, चार आए तो टेट्रा। देखो, यहाँ पे और भी रूल्स मैं बताऊंगा, जो भी हमें लिखना पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं। तो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक कार्बन अल्किन सीरीज हमें देखना है। अल्किन सीरीज क्या होती है, एक कार्बन वाले का नाम होता है मीथेन। क्या नाम होता है इसका?
मीथेन, क्या नाम होता है मीथेन, दो कार्बन नाम वाले का नाम होता है इथेन, क्या नाम होता है इथेन, तीन कार्बन वाले का नाम होता है प्रोपेन, क्या नाम होता है इसका प्रोपेन, चार कार्बन वाले का नाम होता है ब्यूटेन, क्या नाम है ब्यूटेन, पांच कार्बन वाले का नाम होता है पेंटेन, उसके बाद में छह कार्बन वाले का नाम होता है हेक्सेन, आठ कार्बन वाले का नाम होता है ऑक्टेन, नौ कार्बन वाले का नाम होता है नोनेन, और दस कार्बन वाले का नाम होता है डीकेन। तो बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली हम आज एल्केन के फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अगर हमें और भी तुम्हें लगा कि सर ने लेना तो मैं ले सकता हूँ बेटा, मुझे चार सेक्शन में बोला बता देना कि आज के लेक्चर में जिसने ज्वाइन किया है तो उनके लिए देखो एक बार फिर से बोलता हूँ, ये देखो ये अल्केन सीरीज होती है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका आयुपैक्स नेम हमें देना है। तो कैसे दोगे बेटा, सबसे पहले देखो एक एग्जांपल है, देखो एक चैन देता हूँ मैं बड़ी सी, CH3 CH2। ओके, अभी यहाँ पे CH3 CH2, तो देखो इस तरह के कंपाउंड को किस तरह से नाम तुम दे सकते हो। देखो रूल्स क्या है, रूल के हिसाब से चलो, रूल के हिसाब से क्या करो, पहला क्या करो ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग दो पर कहाँ से, जहाँ से साइड चेन नज़दीक है। अभी देखो इस एंगल से देखे तो एक कार्बन है, इस एंगल से देखे तो दो कार्बन है, तो नंबरिंग यहाँ से देना बेटा, यहाँ से 2 3 4। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद में मैंने नंबरिंग दी, नंबरिंग पर कहाँ से दी, मैंने यहाँ पे देखा इस साइड में देखा, ये साइड चेन है, साइड चेन के अक्रॉस में एक कार्बन है, साइड चेन के अक्रॉस में दो कार्बन है, लेकिन यहाँ से एक कार्बन रहने की वजह से नज़दीक ये यहाँ से रहेंगे, इसलिए इसका नंबरिंग मैंने यहाँ से दिया 1 2 3 4। तो इसका नाम आएगा बेटा, दो नंबर पे है। देखो उसके बाद में मैंने क्या बोला था, ये देखो अल्किल ग्रुप जो होते हैं, अल्किल ग्रुप जो होते हैं हम कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, आर से, आर के दो एग्जाम्पल है, एक है एम वाला और एक है ई वाला, मीन्स इथाइल मिथाइल, मिथाइल इथाइल, ये अल्किल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो अल्किल ग्रुप है इसका नाम है, इसकी पोजीशन लिखना बेटा, दो पोजीशन है हमें, इसीलिए इसका पोजीशन क्या लिखना, टू मिथाइल, 1 2 3 4, चार वाले कार्बन का नाम क्या है, ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन, कितना आसान है, बहुत आसान है। तो देखो इस तरह से तुम्हें प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और लगे तो मैं एक एग्जांपल और एक लेता हूँ, देखो और भी बहुत लेने हैं हमें। तो देखो इस नंबर पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन, देखो एक चेन बनानी है इसे, यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे देखो CH2 है, यहाँ पे देखो CH2 है, यहाँ पे क्या है CH3 है। तो बेटा यहाँ पे देखो ये साइड चेन है, देखो पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेने के बाद में नंबरिंग दिए, नंबरिंग कहाँ से दिए, यहीं से, क्या नहीं यहीं से क्यों दिया, क्योंकि ये साइड चेन नज़दीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 मिथाइल, CH3 का नाम क्या मिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5, 5 का नाम क्या है पेंटेन, तो मिथाइल पेंटेन, यही एक नाम देने का तरीका है, बहुत आसान तरीके से तुम इसे नाम दे सकते हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जो कंपाउंड है, नोमेन क्लेचर्स है, यहाँ तक हमने नेमिंग दिए, इसके अलावा और भी थोड़े से बड़े बड़े कंपाउंड है उनके नाम हमें आज देना है। कैसे देना है वो देखो, एक मैं लिख देता हूँ उस हिसाब से हमें देना, एक कार्बन है, कैसी बहुत बड़ी कार्बन की चेन है, देखो अभी इस तरह के कंपाउंड को नाम देना, तो कैसे दोगे बेटा तुम, देखो साइड चेन तो ये हो गई है, ओके ये साइड चेन हो गई, तो रूल्स क्या करोगे तुम, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, बराबर है, देखो 1 2 3 4,
देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से सेलेक्ट करोगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4। तो देखो यहाँ पे दो नंबर पे दो सी एस थ्री ग्रुप अटैच है, उनका नाम है मिथाइल है, तो यहाँ पे 2.2 डाय। डाय क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो सी एस थ्री ग्रुप अटैच है और एक जैसे डाय मिथाइल 1, 2, 3, 4 क्या नाम इसका ब्यूटेन, डायमिथाइल 2.2 डायमिथाइल ब्यूटेन। ये इसका एक तरीका होता है, ये लगे तो आप यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन बुक्स लेके इसे लिख लीजिए, ठीक है। मैं रब करता हूँ ये रूल्स को अभी यहाँ पे देखो। और ये कैसे है बेटा, देखो बहुत आसान है, और भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत मज़ा आती है। तो देखो यहाँ पे सी एस थ्री सी एस टू तो देखो यहाँ पे देखो इस तरह का कंपाउंड है, अभी इस तरह का कंपाउंड है तो हमें कैसा सॉल्व करना है, तो इस एंगल से देखिए तो कितने कार्बन है, 1, 2, 3। इस एंगल से देखो 1, 2, 3 मीन्स इसका नाम आप दो टाइप इधर से भी दे सकते हो और इधर से भी दे सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है, मुझे लगता है कहीं से भी तुम दे सकते हो। लेकिन बट यहाँ पे डिफरेंट एल्किल ग्रुप आए, समझो यहाँ पे डिफरेंट एल्किल ग्रुप आए, तो क्या करना, जहाँ पे कार्बन देखना, कार्बन की संख्या देखना यहाँ पे साइड चेन के बाहर की, ये डब्बे की बाहर की, तो उसके हिसाब से नंबर देना 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस एंगल से भी नंबर देख 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन इसका जो आंसर आने वाला है एक जैसे आने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे 3.4 पे दो मिथाइल ग्रुप है, उनका नाम है डाय मिथाइल, क्या नाम इनका, 1, 2, 3, 4, 5 हेक्सेन, वही नाम आने वाला बेटा, उसका कोई चेंज नहीं होने वाला, इस एंगल से भी लिए उस एंगल से भी लिए। तो देखो इसके बाद में और हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन देखना है। देखो देखो सबसे पहले अपना काम कर लो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, कर लिए नंबरिंग देना। अभी नंबरिंग कहाँ से देना, तुम बोलोगे सर यहाँ से, तो यहाँ से देंगे, नहीं सर यहाँ से देंगे नहीं, बट यहाँ पे एक रूल्स है कि जहाँ पे लोवेस्ट नंबर कार्बन कहाँ है वहाँ पे देखना। अगर हम इस एंगल से देखो तो यहाँ पे एक कार्बन है, इस एंगल से देखो तो यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, लेकिन रूल्स क्या बोलते हैं हमारा, जहाँ से लोवेस्ट नंबर कार्बन है वहाँ से नंबरिंग दो। क्या बेटा ये देखो हमारा रूल्स क्या बोलता है, वो क्या बोलता है कि जहाँ से लोवेस्ट नंबर कार्बन है, अभी यहाँ पे देखो ये लोवेस्ट नंबर कार्बन है और यहाँ पे लोवेस्ट नंबर ज़्यादा है, मीन्स लोवेस्ट नंबर एक है लोवेस्ट नंबर दो है, मीन्स एक ज़्यादा या दो ज़्यादा, एक ज़्यादा, तो इसीलिए इसका नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ से दो। तो इसका नाम क्या है बेटा, देखो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, देखो अल्फा, अभी देखो इसका नाम देते समय 3 ऐसी गड़बड़ नहीं करना मेरे जैसी, क्या हो गया। तो देखो मुझे अल्फाबेटिकल देखो, यहाँ पे तो अल्किल ग्रुप है चेन के बाहर, एक एम वाला एक ई वाला, अल्फाबेटिकल के हिसाब से ई पहले आता कि एम पहले आता रहे, क्या आता है ई पहले आता, तो इसका नाम है इथा। देखो इसका नंबर लिखना जरूरी है, 4 इथाइल, उसके बाद में 3 मिथाइल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका नाम है हेक्सेन, क्या नाम है इसका हेक्सेन, क्या नाम है, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6
तो इसका नाम है 4-ethyl-3-methyl-hexane। देखो इस तरह से इसकी नेमिंग देना आपको जरूरी है, बहुत आसान है, बहुत बोल तो आपको बहुत 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 आसान है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहले हमें इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, उनका नेमिंग और भी बड़ा बड़ा देना है। तो देखो बड़े बड़े कैसे देंगे, बहुत बड़े बड़े दे देंगे, हम सीख लेंगे आज। तो देखो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, CH3, चलो चलो इनका नाम दो। अभी इनका नाम कैसे दोगे, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, लोवेस्ट, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप है। देखो एक्चुअली नंबरिंग देने का इसका जो तरीका होता है बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे देखो तो लोवेस्ट नंबर कार्बन कितना है, 2 है, और लोवेस्ट नंबर कार्बन कितना है यहाँ पे, 1 है। ओके तो देखो सबसे पहले तरीका होता है इस एंगल से देखे तो इसके साइड में कितना कार्बन है, 1। अगर इसके साइड में देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है। 1 ज़्यादा होता है कि 6 ज़्यादा, 1 ज़्यादा होता है, इसीलिए इनकी नंबरिंग यहाँ से है। तो बेटा सॉरी लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैं नंबरिंग दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इनके नंबरिंग दे दी। नंबरिंग देने के बाद में अभी थोड़ा सा दिमाग जो है शांत पोजीशन पे लाओ और IUPAC's नेम का जो है एक से बढ़कर ज़्यादा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो 2, देखो सबसे पहले यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ई वाले हैं और एक ईएम वाले हैं। मुझे बोलो ई पहले आता कि एम पहले आता रहे, ई पहले आता। तो इसके लिए इसका नाम रहेगा 3, 4 डाई। डाई क्यों आया, 2 एल्किल ग्रुप सेम है, डाई इथाइल 3, 4 डाई इथाइल। उसके बाद में 2, 4 डाई मिथाइल और पैरेंट एल्किन का नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबका नाम और हेक्सेन, 7 नंबर यहाँ पे भूल गया मैं, 7 नंबर हेप्टेन क्या नाम आएगा इसका, बेटा हेप्टेन क्या नाम आएगा इसका, हेप्टेन। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। IUPAC's नेम्स ऑफ लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं हम, GOC का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अभी तक जो लेक्चर हुए वो देखते चलो, उसके नोट्स बनाओ, मुझे शेयर करो। एक्चुअली आप नोट्स बनाओगे तो समझ में आएगा आपने क्या पढ़ा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको आना चाहिए। ओके उसके बाद में डाइमिथाइल हेप्टेन। ओके नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉब्लम और थोड़ा सा इसमें बदल करके इसमें क्या चेंज करना है, क्या बदल करना है वो मैं आपको बोल दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, CH3, CH2, CH3 देखो सबसे पहले हमें क्या होना है कि ये जो कार्बन होता है इसका थोड़ा सा और भी लिखना है बेटा मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाँ चलो एक्चुअली CH2, CH2, CH3 चलो हाउ टू कैलकुलेट, ये कैसे कैलकुलेट तुम कर सकते हो। सबसे पहले देखना कि इस एंगल से देखिए, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये साइड चेन है, रूल्स क्या अपना लॉन्गेस्ट चेन
सेलेक्ट कर देने का है। उसके बाद में लोवेस्ट कार्बन नंबर अगर यहाँ पे देखें चेन के बाद कितने हैं, दो हैं, यहाँ पे कितना है एक है, यहाँ पे कितना है एक है। तो इस एंगल से देखें, इस चेन को अगर देखें तुमने तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक दो इसके साइड में, इसके एक दो तीन, इन नंबरिंग यहाँ से देना पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम क्या आना चाहिए बेटा, क्या नाम आना चाहिए इसका, 1 2 3 4, 8 नंबर का हम सीख रहे हैं तो इसका नाम आना चाहिए ओके। तो क्या होना है, मुझे अल्फाबेटिकल के हिसाब से ई पहले आता कि यम आता रहे, फोर मिथा सॉरी इथाइल कहेंगा, फोर इथाइल, उसके बाद में 3.5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो हमें यहाँ तक तो लेक्चर नंबर हमने यहीं पे देख लिए। एक्चुअली किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हो बेटा, आप जो है यहाँ पे आके भी पूछ सकते हो। तो देखो हमने आज तक जो देखा था, अब तक जो देखा है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आयुपैक्स नेम आगे आपके जाके अगर हाइड्रोकार्बन में भी सीखना है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें आयुपैक्स नेम होते हैं, वो आयुपैक्स नेम हमें सीखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।